Hello guys, this is Damini from CUIT Box. So today we are learning index match function. Index match basically VLOOKUP का advanced function है. इसमें ये horizontal and vertically way में work करता है. In case कि अगर आप VLOOKUP लगाते हो तो वो सिर्फ vertically ही आपको value देगा और ये horizontal way में नहीं देगा. फिर उसके लिए आपको different function use करना पड़ेगा HLOOKUP. तो इन दोनों को compile करने के लिए index match function use करते हैं. फर्स्ट मैं मैच फंक्शन इसमें यूज करती हूँ रो के लिए. जैसे ये एम्प्लॉय कोड है और यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा में मिड में है और जब अविलो का फंक्शन लगता है तो वो उसे वर्टिकली लगता है. अगर उससे पहले कुछ भी डेटा है जैसे ये यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हो गया, इससे पहले जैसे जोन एंड ग्रुप है, इससे पहले वो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेगा. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स मैच फंक्शन लगाएंगे. तो फर्स्ट हमें पहले इसका रो नंबर देखना है, जो V100005x0 है ये किस रो नंबर पे है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू मैच, सर्च की क्या है ये एम्प्लॉय कोड, तो इस पे क्लिक किया कॉमा. अब यहाँ पे आया रेंज. रेंज में टू मेथड्स होते हैं, या अगर आपके पास हेडर्स है, अगर आपको हेडर्स नहीं चाहिए, आप A2 से डेटा लेना चाह रहे हो, तो आप जब A2 से डेटा लोगे तो जब फंक्शन फिनिश होता है तो वहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा. और इन केस आप A1 से डेटा लेते हो तो उसे +1 नहीं करना पड़ेगा. इसका भी डिफरेंस मैं बताती हूँ. जैसे अभी यहाँ से ये एम्प्लॉय कोड को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया C1 से जो भी रेंज है ये लिया एंड इसको F4 से फिक्स कर दिया. अब यहाँ पे है सर्च टाइप. सर्च टाइप यहाँ पे हम 0 देते हैं, 0 किया एंटर. अब यहाँ पे आप देखोगे जोन, अभी आप ये हेडिंग्स को कुछ भी हेडिंग्स पे ध्यान मत दो. इसमें क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय कोड है, बस अभी मैंने इसका रो नंबर बताया है कि V1 5x0 किस रो नंबर पे है. तो अभी आप देखोगे ये 2 रो नंबर पे है और मैं जब इसको ड्रैग करती हूँ तो ये इसका बताएगा V100003 ये किस रो नंबर पे है. ये है 5th रो नंबर पे. आप यहाँ पे देखोगे ये 5th पे आ रहा है. इन केस मैंने यहाँ से ये जो C1 से अगर मैं इसको C2 कर देती हूँ तो यहाँ पे वन देगा, इसका रो कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा लिया है वो जब हम A1 से लेते हैं या फिर C1 से लेते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करता है. सपोज कि हमने यहाँ से कम कर दिया, C2 से डेटा लिया है, इसके हेडर्स नहीं लिए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे N में +1 कर देंगे. तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे इसका रो नंबर आ गया है. ऐसे ही कॉलम के लिए होता है, ये आपका रो नंबर के रो के लिए हो गया. अब मैं कॉलम निकालती हूँ. जैसे ये ग्रुप है, मुझे ग्रुप का कॉलम नंबर बताना है. अब ऐसे आप कम छोटा डेटा होगा तो आपको उसमें वैसे ही पता चल जाएगा कि जोन के बाद ग्रुप है तो ये सेकंड नंबर पे है. बट फंक्शन से निकालने के लिए इज इक्वल टू मैच फंक्शन, सर्च किए ग्रुप हो गया कॉमा. अब इसमें रेंज क्या होगा, रेंज हमको इसमें हॉरिजॉन्टल वे में लेना है, A1 से I, मीन्स जितना भी डेटा है उतना डेटा लेंगे एंड उसको F4 से फिक्स कर दिया कॉमा 0. यहाँ पे एंटर किया. अब यहाँ पे देखोगे ग्रुप नंबर 2 पे आ गया. अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ से ग्रुप पे जैन कर देती हूँ तो अब आप यहाँ देखोगे ये 4 आ गया. आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा. यहाँ पे मैंने एक रो के लिए किया था और ये यहाँ पे मैंने कॉलम के लिए किया था. अब मैं इसी के साथ इंडेक्स कंपाइल करती हूँ कि जो भी जनवरी में डेटा है वो आ जाए यहाँ पे कैलकुलेट होके. तो यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स रेफरेंस होता है डेटा, टेबल एरे मीन्स जो भी हमारा A1 से डेटा है एंड तक, ये हो गया. इसको F4 से फिक्स किया. अब इसमें फर्स्ट हो गया रो. रो के लिए या तो हम यहाँ से जैसे ये हो गया, यहाँ पे रो हमने निकाला था 2, ये ले लिया, कॉलम नंबर हमने ये ले लिया. अगर ऐसे करते हैं तब भी यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ये यहाँ पे किया था. और मैं यहाँ पे जैसे इसको कर देती हूँ 3 वाला, तब यहाँ देखो कि 3 वाला ही आया है. अब 3 वाला आप यहाँ पे देखो उसका जनवरी का क्या है, 17. यहाँ पे ये मैंने अलग अलग निकाला था मैच. फर्स्ट रो के मतलब पहले मैंने रो के लिए निकाला, फिर मैंने कॉलम के लिए निकाला. इन दोनों को अलग अलग निकालने के बाद मैंने इंडेक्स में जो इंडेक्स का स्ट्रिंग था रेफरेंस, रेफरेंस में मैंने पूरा डेटा ले लिया. उसके बाद था रो एंड कॉलम. तो यहाँ पे मैंने इसका अलग अलग जो फर्स्ट मैच फंक्शन किया था रो के लिए मैंने उसको डिफाइन कर दिया L4 में, और जो सेकेंड कॉलम के लिए किया था वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया M4 में.
सपोज कि यहाँ पे मुझे इंडेक्स मैच के साथ में ही करना है, कोई कॉलम नंबर वगैरह कुछ डिफाइन नहीं करना, यही एक ही फंक्शन में सारा कंपाइल हो जाए, अलग अलग कॉलम्स में डेटा नहीं निकालना है। तो रेफरेंस में आप देखोगे यहाँ से A1 से पूरा डेटा यहाँ पे लिया, इसको फिक्स कर दिया। अब रो के लिए निकालना है मैच, सर्च के क्या हो गया हमारा एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड में यहाँ पे ये हम फिक्स करेंगे के को, रेंज। अब एम्प्लॉय कोड कहाँ पे है, इसमें ये यहाँ पे, इसको फिक्स किया F4 से कॉमा 0, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें देना है कॉलम नंबर, मैच फंक्शन इसको फाइंड किया कॉमा रेंज, इसको फिक्स किया कॉमा 0, ये किया एंटर। अभी आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ये इसने फाइंड कर दिया। मैं यहाँ पे अगर मार्च भी करती हूँ, मार्च जैसे किया, तो यहाँ देखो यहाँ चेंज हो गया, 55 आया है। ऐसे ही सभी का चेंज होता है, ये इंडेक्स मैच कंपाइल फंक्शन है। आई होप कि ये सभी को समझ आ गया होगा इंडेक्स मैच फंक्शन।